कभी होने वाला नहीं था। टीवी रोक भी नहीं सकता था कि टीवी। नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां 2,46,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। आज गाजीपुर में 1,00,000 किसानों के खाते में इस योजना के तहत 2,000 रुपए की राशि पहुंच गई है। ये दावा रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने आज गाजीपुर में किया। वे गाजीपुर के बाराकला हाट स्टेशन पर रेलवे की विकास परियोजना का शिलान्यास करने पहुंचे थे। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर बाराकला हाट स्टेशन पर 40 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गाजीपुर का बाराकला हाट स्टेशन अब रेलवे के क्रॉसिंग स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। स्टेशन पर कई विकास कार्य और यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा। साथ ही मंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर के घोड़ा गांव स्थित प्राइमरी स्कूल के सौंदर्यीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि किसानों की बेहतरी और उन्हें प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत की है। एएस न्यूज गाजीपुर। कला हाल्ट पर इधर से गुजर रहा था तो लोगों ने ट्रेन रुकी थी, उसके पहले एक सभा में यहाँ के लोगों ने मांग रखी थी कि इस हाल्ट को स्टेशन बना दिया जाए। अभी मंडल रेल प्रबंधक ने आपको बताया है कि 1861 में इस रेल खंड का निर्माण हुआ था और 1956 के आसपास बाराकला हाल्ट बना था। और मैं आभारी हूँ मंडल रेल प्रबंधक का भी और रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी, कम समय में लगभग 40 करोड़ रुपए स्वीकृत करके बाराकला हाल्ट को पूर्ण स्टेशन का दर्जा देने का काम आज प्रारंभ हो रहा है। महीने में यह रेलवे स्टेशन बन करके पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जो आपके सामने जो चित्र लगा है उसमें आपने देखा है कि 2 मंजिला स्टेशन भवन का निर्माण, जिसमें प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय, टिकट घर, बुकिंग काउंटर, पीआई भवन और अन्य यात्री सुविधाओं का प्राविधान होगा। 600 मीटर लंबे हाई लेवल के नए प्लेटफार्म और 24 कोचे, माने जो सबसे लंबी गाड़ी है उसमें भी प्लेटफार्म पर ही यात्री उतरें, इसका भी इंतजाम प्लेटफार्म के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा गया है। 2 नई लूप लाइन 800 मीटर की बनाई जाएगी। 10 फीट चौड़ा एक फुट ओवर ब्रिज, माने इस पार से उस पार जाने के लिए ऊपरगामी पुल का निर्माण भी रैंप के साथ किया जाएगा, ताकि दिव्यांग भाई भी सुविधापूर्वक जा सकें। उस पुल पर शेड का भी प्राविधान किया गया है। 4 बड़े प्लेटफार्म शेड का भी प्राविधान है और 300 मीटर लंबे 3 मीटर चौड़े स्टेशन तक पहुंचने के लिए एक सड़क भी भारतीय रेल बनाएगी, ताकि 12 और आसपास के लोग, चाहे वो हरकर्णापुर के हों, भतौरा के हों, मगरखानी के हों या अनिल यादव हों, सुविधापूर्वक वहां जा सकें। मैं आपका टिकट है प्लेटफार्म से देख सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, इसका भी इंतजाम किया गया है। और उच्च कोटि की आधुनिकतम सिग्नलिंग की व्यवस्था की गई है। फायर फाइटिंग, मैंने आग न लगे, इसका भी इंतजाम किया गया है। और उद्घोषणा कि फलां ट्रेन आ रही है और इतने बजे खुलेगी, इसका भी उत्तम इंतजाम भारतीय रेल बाराकला स्टेशन पर करने जा रही है। मैं समझता हूँ कि लंबे समय से